हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम आए हैं चोल्टी खेरी, जो कि अपने बरगद के पेड़ के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। जो ये बरगद का ट्री है, 4 एकड़ जगह में फैला हुआ है, काफ़ी सारे पशु पक्षियों का घर भी है। चलो चलते हैं इस पेड़ के बारे में जानने के लिए और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। गुरु लोगों ने बताया 1600 साल पुराना है। वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आप जहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, पंजाब का ये ग्रेट बैनियन ट्री देखने में कैसा है, जहां पर आपको देखने के लिए कौन कौन से पशु पक्षी मिलेंगे, कौन कौन से विश्वास और कहानियां जुड़ी हैं इस बरगद के पेड़ के साथ, यहां पर कैसे पहुंचे। सबसे पहले आप गूगल मैप्स पर जाएं और बैनियन ट्री बाबा बरोती सर्च करें और गूगल मैप्स को फॉलो करते हुए आप जहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर आपको गूगल मैप्स उपयोग करना नहीं आता तो आप मोहाली से सरहंद जाते हुए रोड पर चुनी कलां से लेफ्ट टर्न करें, उसके बाद आपको चुनी कलां गांव में ही राइट टर्न लेना है। यहां से बाबा बरोती बैनियन ट्री लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपको विलेज रसूलपुर आएगा। इससे कुछ ही दूरी पर आपको विलेज मिलेगा झामपुर। झामपुर से कुछ ही दूरी पर है विलेज भगराना। भगराना से आपको राइट टर्न लेना है, जहां से बरोती बाबा ट्री लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, जहां से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपको अपनी लेफ्ट साइड में मिलेगा बरोती बाबा ट्री। आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। इस समय हम पहुँच चुके हैं विलेज चोल्टी खेड़ी और पंजाब के ग्रेट बैनियन ट्री के पास। पहले चलते हैं इस ट्री को देखने के लिए। यहाँ के लोकल लोग इस जगह को बाबा बरोती कहकर बुलाते हैं। इस जगह पर भगवान शिव का मंदिर भी है, क्योंकि जो बरगद का ट्री है इसको भगवान शिव का रूप भी माना जाता है। ये जो बरगद का ट्री है लगभग 4 एकड़ जगह में फैला हुआ है। इसके साउथ साइड में रेलवे लाइन है, जो कि राजपुरा थर्मल पावर प्लांट के साथ कनेक्ट होती है। अब बाबा बरोती ट्री को बिल्कुल पास से दिखाते हैं। ग्रेट बैनियन ट्री, जिसकी जड़ें आप देख सकते हैं, इन जड़ों को प्रॉप रूट्स कहते हैं। जब ये रूट्स जमीन के साथ अटैच हो जाती हैं तो ये प्लांट के ट्रंक का रूप ले लेती हैं। एक कुआं है, इसके अंदर प्रॉप रूट्स फैल चुकी हैं। ये जो बाबा बरोती ट्री है अपने आप में एक कंप्लीट जंगल है। ये एक ही ट्री है जो कि बाकी सारी जगह में फैला हुआ है। वो फैला हुआ है अपनी प्रॉप रूट्स के साथ और बाद में ये इंडिपेंडेंट प्लांट डेवलप हो जाता है। लोकल लोग इसको पूजते हैं और इस पर काफ़ी आस्था रखते हैं। बरगद के पेड़ को भारत में बहुत ही पवित्र मानते हैं। बरगद के पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। अगर आप इसको कुछ भी मांगते हैं तो ये आपकी विश को जरूर पूरी करता है। जगह के साथ कई किस्से कहानियां जुड़ी हुई हैं। जब बरोती बाबा की शाखा किसी की ज़मीन में जाती है तो वो किसान उसके लिए अपनी ज़मीन को छोड़ देते हैं। अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर होती है। बाबा बरोती की शाखा को नहीं तोड़ा जाता, जो शाखाएं अपने आप नीचे गिर जाती हैं उसको भी गांव वाले अपने घर में नहीं जलाते। उन शाखाओं का उपयोग मंदिर के हवन और लंगर में किया जाता है। जो बरगद का पेड़ है, बहुत सारे पशु पक्षियों का घर भी है। अगर आप वर्ल्ड वाचिंग के शौकीन हैं तो इस जगह पर जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको आउल भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी सारी रंग बिरंगी चिड़ियां, आउल, पीकॉक देखने को मिलेंगे यहाँ पर।
आपको जहाँ पे पैरट्स भी देखने को मिलेंगे। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। जहाँ पर हैं ग्रे कलर की बहुत सारी स्पैरोस, वहाँ पर है क्रो फीजेंट, आप चलते हैं इस जगह पर रह रहे मंथ के पास और उनसे जानते हैं क्या इतिहास और किससे कहानियां जुड़ी हैं पंजाब के इस ग्रेट बैनियन ट्री के साथ। आपका नाम क्या बाबा? महंत बलविंदर गिरी। महंत ना जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े से हमारा लिंक है। इस ट्री के बारे में बताइए सर। यहाँ की हिस्ट्री कहा जाती है कि किसी साधु ने यहाँ पर तपस्या की थी और उनके औलाद नहीं थी, तो उन साधु ने अपने धुने से बबूती उठा कर दी थी और वही बबूती वो घर ले जाकर ब्रह्म कर बैठे थे। फिर वापस इसी जगह पर गिर गए थे जिसके कारण ये बड़ का पेड़ पैदा हो गया था। जी तो ये पेड़ कितना पुराना है? अपने अनुमान से तो हम लोगों ने, गुरु लोगों ने बताया 1600 साल पुराना। मैंने सुना कि कोई इसकी टानियां काट के घर में नहीं ले जाता और पेड़ को कोई रोकता नहीं है, नहीं। इसके बारे में क्या है? इसके लिए देखो, पहले कहा जाता है कि जैसे पहले किसी ने इसके टाने तोड़ने की कोशिश भी की, हाँ। उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, अनर्थ हुआ है, अनर्थ हुआ है। और जो पेड़ की टाँगियाँ हमने देखा कि काफी सारी कटी पड़ी हुई हैं, तो किस काम में यूज करते हैं? पेड़ वाले लोग तो जलाते नहीं उनको। वो तो बस अपने जैसे यहाँ हवन पूजा होता है, जैसे धूना वगैरह में लगता है, फिर लंगर वगैरह होता है उसमें काम आ जाती है। और लंगर वगैरह करते हैं जहाँ पे? हाँ जी, बाकी जो है अगला कोई सुखना रख जाता है, उसके सुख के आधार से वो पाठ भी करा जाता है, फिर चाहे वो लंगर भी लगवा जाता है। उस वट वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है ना, तो इसलिए सुनता जरूर है। हमने सुना था कि ये एक ही पेड़ है जो आगे फैला हुआ है सारा जे। ये इसका ना जैसे अभी अब तो गिर चुका है, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है, प्राचीन हो चुका है, तो अंदर ही अंदर एक खोखला हो गया था, कीड़े मकोड़ों ने खा दिया, दीमक लगने के कारण ये गिर गया। अब इसकी फिर से वहीं से पैदावार फूट तो आई है। इसके बारे में पढ़ा है कि जिसकी जमीन में जाता है वो जमीन छोड़ देता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है, जिसकी जमीन में जाएगा जगह छोड़ते चला जाएगा। तो ये था हमारा पंजाब के ग्रेट बैनियन ट्री पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।